गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आज अपन चैप्टर नंबर जो 4 है उसका रिमेनिंग पोर्शन पढ़ने वाले हैं, और जो पोर्शन है वो रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमने एग्रीगेट डिमांड और अदर चीज़ों का जो फ्लो चार्ट होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो अपन पढ़ने वाले। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू इट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीगेट डिमांड जो है उसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड, ठीक है, जनरेटेड बाय एन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट लाइक इनकम दे रखी है, इनकम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंजम्पशन, थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब अपन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं, मींस कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड। यू कैन सी हियर कि अगर कोई पर्सन है उसका कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 20 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट कितने रुपये का कर रहा है, वो 10 रुपीज़ का, तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड वुड बी ऑफ ₹30। आफ्टर दैट अपन देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो अर्निंग कर रहा है और उसका कंजम्पशन जो हो रहा है वो 30 रुपीज़ का हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 10 रुपीज़ का, तो अल्टीमेटली 30 + 10 वुड गिव यू 40। तो ये हमारी क्या बन गई, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं 40 रुपये का कंजम्पशन कर रहा है, 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अल्टीमेटली डिमांड कितनी हो गई, 50 रुपीज़ की। ओके, अब स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों के बीच में हमको जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ से हमको कुछ रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिराइव होंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ का, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में हमने अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड हियर इट इज़ अ ग्राफ, एग्रीगेट डिमांड का और इनकम का यहाँ पर क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो अपन इस जो ग्राफ दे रखा है इसको ये जो अपना टेबुलेशन का फॉर्म है या जो शेड्यूल है इसको अपन पहले अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। ये डेटा तो आप समझ गए कि एग्रीगेट डिमांड कैसे आया, तो C+I वुड गिव यू एग्रीगेट डिमांड। अब अपन देखते हैं कि लुक, पहले आपकी इनकम क्या थी, ज़ीरो। इनकम क्या थी, ज़ीरो। देन योर एग्रीगेट डिमांड वॉज ₹30। वो बताऊँगी मैं कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर डिमांड कैसे रेज होती है, वो अपन बाद में सीखेंगे, पर अभी एक अपन बेसिक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। नेक्स्ट, हमारी एग्रीगेट डिमांड कितने की हो गई, 20। मतलब हमारी इनकम जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, कितने रुपए से हो गई, 20 रुपीज़ से। ठीक है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कितने हो गई, 40, मतलब 30 से 40 पे स्विच कर गई। देन वी हैव इनकम ऑफ ₹40, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई 50। मतलब हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एज वी आर इंक्रीजिंग अवर इनकम, सो साइमल्टेनियसली अवर डिमांड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब कि जैसे जैसे हम इनकम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो वी कैन गेट कि इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन जो दूसरा या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी कैन सी हियर कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इट्स जस्ट कॉन्स्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, जस्ट 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का। मीन्स वी कैन से कि वाइल इफ देयर इज़ एनी इनकम इंक्रीज, या फिर इफ देयर इज़ एनी इंक्रीज इन इनकम, देन देयर विल बी नो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट्स नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बट यू कैन सी हियर कि आपका कंजम्पशन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। अब आप एग्जाम्पल लो, कोई पर्सन है 10,000 की अर्निंग कर रहा है। ठीक है, 10,000 की अर्निंग कर रहा है, तो वो हमने कल ही एग्जाम्पल लिया था कि 7,000 रुपये स्पेंड करता है। अब सोचो उसकी अर्निंग हो गई कितने रुपये की, वो अर्निंग कर रहा है अब 12,000 रुपीज़ की, तो उसके वहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब वो महंगी चीज़ें खाएगा, ठीक है, या ज़्यादा चीज़ें खाएगा, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा देगा, येस और नो, है ना। वैसे ही इनकम फिर उसकी बढ़ गई, फिर 15,000 हो गई, तो वापस से वो अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगा, इंक्रीज। बट इन्वेस्टमेंट हम ज़रूरी नहीं है इंक्रीज करें। जस्ट अज्यूम कोई पर्सन है, उसने क्या करा, एक कार परचेज कर ली, इट डजेंट मीन कि वो हर मंथ कार परचेज करने वाला है, नहीं करेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वन टाइम होता है। तो वी कैन सी कि इन्वेस्टमेंट इज एट कॉन्स्टेंट, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट।
अब अपन को नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखना है वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंजम्पशन का, जो हमने पढ़ा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कैसे होता है। ठीक है, तो इफ देर इज़ एनी कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मतलब जब अपनी इनकम ज़ीरो होती है पर हमको कंजम्पशन तो करना है। जस्ट अज्यूम, आप छोटे बच्चे के बारे में सोचो, वो जो है जब बॉर्न होता है उसका, उसके बाद वो कोई डायरेक्ट तो जॉब नहीं करने लग जाता ना, बट उसके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ उसकी डिमांड होती है। ठीक है, उसको फूड खाना है, उसे मिल्क का कंजम्पशन करना है, उसे ड्रेस पहनना है, जो भी चीज़ है उसका कंजम्पशन तो हो रहा है ना। तो यही होता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमारा कंजम्पशन तो डेफिनेटली होता ही है। तो यू कैन सी हियर कि जीरो लेवल ऑफ इनकम वुड गिव यू अ कंजम्पशन, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब अपन देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, इसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं, मतलब ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, पॉइंटर से आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है ना, इट रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड। ये डेटा बता रही है कि मतलब अगर जीरो इनकम होती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, 30। तो वी आर जस्ट प्लॉटिंग हियर कि जीरो पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, 30। नेक्स्ट 20 पे एग्रीगेट डिमांड होती है 40। तो वी कैन सी हियर कि एट 20 इनकम वी आर एग्रीगेट डिमांड इज ऑफ रुपीज 40। देन 40 के ऊपर कितनी होती है, 50। 60 के ऊपर कितनी होती है, 60। ओके, तो हमको ये समझ में आ गया, आप ये पॉइंट प्लॉट करोगे तो डेफिनेटली आपका ग्राफ इसी साइड से या इसी टाइप से बनेगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो आपको नेक्स्ट ग्राफ जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइनिंग वाला दिख रहा है 10 के ऊपर, आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्स्टेंट है, मतलब ये 10 10 10, मतलब जीरो इनकम पे भी 10, 20 इनकम पे भी 10। ये जो कर्व है या ये जो लाइन जो ड्रॉ करी है हमने, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर इन्वेस्टमेंट, या क्या बता रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बता रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 रुपीज़ का आपको क्या हो गया, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसा होता है और एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसा होता है। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अबाउट दी शेड्यूल, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अबाउट दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हमने कुछ यहाँ से रिलेशन डिराइव कर रहे थे, वो ये था कि एज इनकम इज इंक्रीजिंग और एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर वुड बी ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम या फिर एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट अस एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं अपन एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो सेम वे में ही यही चीज़ है एग्रीगेट सप्लाई भी, दैट एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। वी स्टडीड दैट एग्रीगेट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, मतलब हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं प्लस हमारी जो सेविंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इनकम ज़ीरो है, बट यहाँ पे ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ज़ीरो पे कंजम्पशन और सेविंग कैसे हो रहा है, बट हम आगे से समझते हैं अभी। इफ़ आर इनकम इज़ ₹20, देन वी आर जस्ट एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ₹20। इफ़ वी आर रिसीविंग इनकम ऑफ ₹40, देन वी आर जस्ट एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ₹40। एंड इफ इनकम इज इंक्रीजिंग एट ₹60, देन आर सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीजेज एट सॉरी सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60। मतलब अपन को एक और चीज़ समझ में आई यहाँ से कि एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे डिमांड के केस में वो चीज़ हुई थी, है ना। अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ रिलेटेड विद कि ये क्या हो जाएगा हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या हो जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे प्रीवियस था जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन तो करना है, बट एज देयर वुड बी नो सेविंग ना, क्योंकि हमने कुछ सेव तो किया नहीं है। अब ये कंडीशन जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जस्ट कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, या कोई पर्सन है वो बैगिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कंजम्पशन तो कर रहा है, बट इज़ ही सेव समथिंग, क्या उसने कुछ सेव किया, नो कुछ भी सेव नहीं किया ना। तो इसलिए सेविंग क्या हो गई आपकी, नेगेटिव सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका जो सेविंग था उसी के अंदर से आपने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे हमारी सेविंग भी क्या होती गई, इंक्रीज। एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज, इनकम के इंक्रीज होने पर हमारी सेविंग भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है अपन ने क्या करा है, पढ़ा है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं स्टूडेंट। ओके,
अब अपन बात कर रहे हैं हमारे कंजम्पशन के बारे में, तो कंजम्पशन जो है वो क्या हो रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यू कैन सी हियर कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या था, ज़ीरो। फिर 20 रुपीज़ का हुआ तो इंक्रीज़ हुआ काय पे, 20 रुपीज़ पे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप पॉइंट पे ये प्लॉट करोगे ग्राफिक पेपर पे, तो इसी साइड का, इसी टाइप का आपका कर्व बनेगा। इस कर्व का एक फीचर ये है दैट इट्स जस्ट 45 डिग्री एंगल कर्व। आपको पता है कि ये जो ये 140 तक ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसका हाफ के अंदर से जा रहा है मीन्स 45 डिग्री। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है, इट्स जस्ट रिप्रेजेंट 45 डिग्री एंगल। ये 45 डिग्री एंगल का कर्व रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा होता है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। स्टूडेंट, अब जो आगे का अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके लिए आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ और शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको आज समझ में आया होगा, और इस चीज़ को एक बार गो थ्रू करके प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिकली पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, और आप फीचर्स जो है वो यही वाले ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब।